आज सीएम शिवराज सिंह चौहान मंदसौर, आगर और देवास का दौरा करेंगे। सुवासरा विधानसभा के जींद में जनसभा को संबोधित करेंगे। आगर के कानड़ में चुनावी प्रचार करेंगे। हाटपिपलिया में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह आज मंदसौर, आगर और देवास का दौरा करेंगे। सुवासरा विधानसभा के जींद में जनसभा को संबोधित करेंगे। आगर के कानड़ में चुनावी प्रचार करेंगे और हाटपिपलिया में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मंदसौर, आगर और देवास का दौरा करेंगे। सुवासरा विधानसभा के जींद में जनसभा को संबोधित करेंगे। आगर के कानड़ में चुनावी प्रचार करेंगे। हाटपिपलिया में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम शिवराज आज मंदसौर, आगर और देवास का दौरा करेंगे। सुवासरा विधानसभा के जींद में जनसभा को संबोधित करेंगे। आगर के कानड़ में चुनावी प्रचार करेंगे। हाटपिपलिया में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारा संवाददाता शोएब खान हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। शोएब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार जो तारीखें हैं उपचुनाव की वो नजदीक आती जा रही हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो धुआंधार प्रचार है वो लगातार जारी है, आज भी वो कई जगहों का दौरा करेंगे, तो आज क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम शिवराज सिंह चौहान का? बिल्कुल, मैं देखिए लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तावतोड़ दौरे उपचुनाव को लेकर देखने को मिल रहे हैं और जनसभाओं में भाग ले रहे हैं। अगर आज के कार्यक्रम की बात की जाए तो मंदसौर, आगर और देवास का उनका दौरा है। सुबह 11:30 बजे खासतौर से अगर बात किया तो मंदसौर के सुवासरा में वो एक जनसभा को आयोजन में शामिल होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आगर के कानड़ और देवास के हाटपिपलिया में जनसभाओं में शामिल होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल लगातार जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उपचुनाव में, उनके लिए वोट मांगने की अपील जोरदार तरीके से की जा रही है और तमाम बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो फिलहाल मैदान में जुटे हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान की बात किया है तो वो भी लगातार उपचुनाव की जो सीटें हैं उनका दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं और जनसभाओं में शामिल हो रहे हैं। खासतौर से अगर एजेंडे की बात किया है तो जिस तरह से किसानों के कर्ज माफी का एक बड़ा मुद्दा लेकर बीजेपी शुरू से चल रही है कि उनका जो किसानों का कर्ज वो कांग्रेस ने माफ नहीं किया, इसके अलावा युवाओं को रोजगार देने की बात हो या क्षेत्रीय विकास की बात हो, तो ये मुद्दे लेकर फिलहाल बीजेपी मैदान में नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए अब ज्यादा दिन बचे नहीं है उपचुनाव की तारीखों को लेकर, अगर बात की जाए 3 तारीख को मतदान होना है और आज जिस तरह से कुल 10 दिन भी का समय नहीं बचा है तो लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार जारी है। तो अब जिस तरह से सीएम लगातार 3-4 जगह का दौरा रोजाना कर रहे हैं तो और किस तरह से आगे देखने को मिल सकता है सीएम शिवराज सिंह चौहान? बिल्कुल मयंक, देखिए प्रचार प्रसार थमने से पहले तावतोड़ जनसभाएं बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं। उन जनसभाओं में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो या वीडी शर्मा हो प्रदेश अध्यक्ष, तमाम बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं या जो मध्य प्रदेश में भी जो मंत्री हैं, तो वो तमाम चेहरे इन जनसभाओं में शामिल हो रहे हैं और प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। तो तावतोड़ जनसभाओं देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात किया तो प्रचार प्रसार थमने से पहले भी उनके जो दौरे हैं वो लगातार इसी तरह देखने को मिलेंगे। जी,